याद का राहुल भोज आ गया है आप लोगों को मुंबई वासियों का वन ऑफ दी फेवरेट फूड खिलाने के लिए। बताना चाहता हूं कि फूड स्पाई की इस खास वीडियो में मैं राहुल भोज आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा कि आप घर बैठे मसाला पाव कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये टेस्टी है। हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। मसाला पाव बनाने के लिए दोस्तों जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो मेरे पास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 3 पाव लिए हैं, मैंने 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम लिया है, मैंने टमाटो को, 2 टमाटो है ये, इसे फाइनली चॉप कर दिया है, 2 प्याज है, इसे फाइनली चॉप कर दिया है। अब आगे की प्रोसेस आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था और अब इसमें मैं बटर डालता हूँ। बटर इसमें आपको ढेर सारा डालना है दोस्तों, क्योंकि ये टेस्टी और लजीज होना चाहिए, अदरवाइज़ बटर से भरपूर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप बटर को पिघला लीजिए, ठीक डिश में, यस, एंड आप जो है थोड़ा सा और बटर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे ये लो कोलेस्ट्रॉल वाला बटर है तो इसको बिंदास आप खा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है दोस्तों कि इसमें हम प्याज डालें, देख सकते हैं दोस्तों ये पिघल गया बटर, और इसमें जो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज था ये डाल दिया है। और प्याज को ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आप भूने, मतलब कि प्योर ब्राउन करें, आपको प्याज को हल्का हल्का जो है गर्म करना है। और मैं इसे इस तरीके से लटपट बना देता हूँ, लटपट, मैं सिर्फ गर्म कर रहा हूँ प्याज को, भूनूंगा नहीं। देखिए दोस्तों प्याज को भूना नहीं है, प्याज को सिर्फ गर्म होने रख दिया था 1 से 2 मिनट, और इस तरीके से मैं इसे स्टर कर रहा था बैक टू बैक। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कैप्सिकम। कैप्सिकम से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है दोस्तों, और एक अलग ही जो है मसाला पाव टेस्ट करता है। सो मसाला पाव में कैप्सिकम ज़रूरी है, एंड हमने कैप्सिकम डाल दिया और इसे हम अब स्टर करेंगे। और जब ये हो जाएगा एक बार स्टर, तो इस पे फिर हम जो टमाटर काटा है हमने बारीक वो डाल देंगे। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इतना भी आप करिएगा नहीं कि ब्राउन ब्राउन हो जाए कैप्सिकम, इसको भी आप प्याज के साथ बस मिक्स करते रहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से मैंने लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे चलाया होगा, तो ये शिमला मिर्च जो थी हमारी कैप्सिकम, ये नॉर्मल हो गई है, मतलब कि गर्म हो गई और हल्की ढीली पड़ने लग गई है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर टमाटोज। दोस्तों मैंने खूब सारा टमाटो काटा है इसके लिए, एंड मैंने छोटे छोटे पीस बना दिए, क्योंकि मसाला पाव में एक अलग ही टेस्ट आता है। सो इस वजह से मैं इस तरीके से अब इसे स्टर करूँगा, एंड जैसे ये हल्का हल्का टमाटो लूज़ होने लग जाएंगे, मतलब कि थोड़े से अभी कड़क हैं, तो फिर उसके बाद मैं इनमें मसाले डालूँगा। अभी मैं इस तरीके से स्टर करता रहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से इसमें गर्म हो गए हैं। अब दोस्तों बारी आती है किसकी, मसालों की। जी हाँ, मैं सबसे पहले इसमें सीजनिंग के लिए दोस्तों डालता हूँ रेड चिली पाउडर, या थोड़ा सा ज़्यादा, यस, इससे अलग ही कलर आ जाएगा। ये दोस्तों पाव भाजी मसाला है, सो या इतना काफ़ी रहेगा। और इसके ऊपर मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देता हूँ, ठीक है, और या हियर यू गो। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टर। आई लव दिस प्रोसेस। ये जिस तरीके से स्टर होता है ना, मज़ा आ जाता है देख के। मैं इसे स्टर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सी क्या इनक्रेडिबल आ रहा है कलर इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से गर्म हो गए हैं। आप थोड़ा सा ये जो क्रशर होता है इससे आप क्रश कर दीजिए। उफ़,
मुझे तो पाव भाजी की याद आ गई। इस तरीके से आप इसको थोड़ी देर के लिए क्रश कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना आपको, जो है 1 से 2 मिनट तक के लिए, क्योंकि हमारे पास इतनी भाजी नहीं है और ऐसा कुछ हमें नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इस तरीके से क्रश करते रहना है। और याद रहे आपको जो आँच रखनी है वो एकदम से मीडियम रखनी है, मैंने मीडियम आँच पे रखा है। सो इस तरीके से सी इसको क्रश करके अब मैं इसमें नींबू और साथ ही साथ जो है धनिया डाल के इसको सजाऊंगा। सो ये ऑलमोस्ट रेडी है मेरा मसाला, और अब पाव की बारी आएगी। दोस्तों इसमें हम नींबू डाल देंगे बढ़िया तरीके से, एंड इस पर जो है खूब सारा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से, और आपको थोड़ा सा इसमें चाहे पानी ऐड कर सकते हैं, और हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बना देते हैं, ठीक है, या लाइक दिस। देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है ताकि इसको हम थोड़ा सा और पेस्ट जैसा बना दें, राइट। मैं थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करता हूँ, लिटिल मोर, ज़्यादा नहीं, लिटिल मोर। दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ परफेक्ट। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर स्टिरिंग, आई एम डूइंग इट। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा मसाला रेडी है, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर पाव। मैंने पाव को बीच से कट कर दिया था, जो कि आपको बताया था मैंने, तो 3 मैंने पीस ले लिए हैं। एंड मैं इसमें जो है बटर डालता हूँ और इसी में गरम करता हूँ। देखिए आपके बर्तन भी कौन धोए। आपकी बर्तन की भी बचत करता हूँ, देखिए कैसे बनाता हूँ मैं। सी वो बटर गल रहा है, एंड जैसे ही वो गलेगा मैं जो है एकदम से तो यू गो लाइक दिस। देखिए क्या मसालेदार फुरमुरा बन रहा है, और ये इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का सा यू नो मसाले को ऐड ऑन कर देता हूँ। यू गेटिंग इट गाइस? सो इसको ऐसे पलटा है और इसको मैंने बढ़िया तरीके से इसके अंदर भर दिया। सी रेडी है, एंड मैं अभी अपने तीनों पाव को इस ऐसे भर देता हूँ। यम 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 यम। सो दोस्तों मेरा मसाला पाव इज रेडी, और अब मैं इसे टेस्ट करूंगा। बताना चाहता हूं बहुत ज्यादा डिलीशियस बना है। वाह वाह, आज मैं ये खा रहा हूं, कल मैं डबल एक्सरसाइज करूंगा। आप भी बनाओ, बहुत इजी है। अगर आपको ये वाले पाव नहीं मिलते हैं तो आपके घर पे बेकरी पे, घर के पास जो बेकरी है वहां पर कैसे पाव मिलते हैं, जाकर आप जो है बंद में भी बना सकते हैं। यम्मी बनता है, टेस्टी बनता है। सो या जरूर बनाइए। फूड स्पाइक को इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए या फिर डीएम कीजिए, ठीक है। मैं जाता हूँ, टेस्टी डिलीशियस, मामा मिया एंजॉय करता हूँ।